मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। नमस्ते, मैं हूँ अभिषेक। स्वागत है आप लोगों का अभिषेक संगीत यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग खाली राग सुरंजनी को अच्छे से सीख लेते हो, राग सुरंजनी का आरोह अवरोह और पकड़, अगर आप लोग इस चीज़ को अच्छे से हारमोनियम पे बजाना सीख लेते हो तो आप लोग राग सुरंजनी के जितने भी गाने हैं उन गानों को आप लोग बड़े ही आसान तरीके से बजा लोगे। और मैं आप लोगों को बहुत सारे गाने, एक गाना नहीं कम से कम 8-10 गाने मैं आप लोगों को हारमोनियम पे बजा करके भी बताऊंगा, वो भी राग सुरंजनी के। तो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वॉल पे प्रेस कर लेना। तो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग राग सुरंजनी का आरोह अवरोह और पकड़ को देख लो, उसके बाद मैं आप लोगों को इस राग के जितने भी गाने व भजन हैं उन गानों और भजनों को बताऊंगा। क्योंकि अगर आप लोग इसके आरोह और अवरोह और पकड़ को अच्छे से नहीं सीखोगे, नहीं जानोगे, तब तक आप लोग गाने नहीं बजा पाओगे, आपको गाने बजाने में दिक्कत होगी। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग इस राग का आरोह और अवरोह और पकड़ को देख लो। हम आपको पहली काली से बता रहा हूँ, सी हिसाब से ध्यान से देखेंगे। राग सुरंजनी जो है ये थाट काफी का राग है। राग सुरंजनी में कोमल गा लगता है और मा और नी का प्रयोग नहीं होता, यानी कि राग सुरंजनी में मा और नी ये दो वर्जित स्वर होते हैं और गाने के हिसाब से इसमें शुद्ध गा का भी प्रयोग किया जाता है, वो मैं आपको आगे चल के भी बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग इसका आरोह और अवरोह और पकड़ को देखो। जैसे सा रे ग प द स, सा द प ग रे सा, ये है राग सुरंजनी का आरोह और अवरोह। अब देखेंगे इसकी पकड़। सा राग सुरंजनी की पकड़। पकड़ में कौन कौन से स्वर लग रहे हैं? सा धा गा रे सा। तो आपका राग सुरंजनी का आरोह और अवरोह और पकड़, ये तीन चीजें कंप्लीट हो गई। अब देखेंगे कि इस राग में कौन कौन से फिल्मी गाने व भजन हैं। सबसे पहला गाना देखेंगे जो हमारा बहुत फेमस गाना है, आप लोगों ने उस गाने को खूब सुना होगा। कौन सा? मेरे ने भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। अब ये जो गाना है, ये गाना आपका पूरा गाना राग सुरंजनी का ही है, सारे स्वर इसमें आपके राग सुरंजनी के ही लग रहे हैं। एक गाना और देखेंगे जो बहुत फेमस गाना है, कौन सा? जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं। ये भी गाना आपका राग सुरंजनी का ही है। एक गाना और देखेंगे, कौन सा? अरे मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ये भी गाना आपका राग सुरंजनी का ही है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इन गानों का नोटेशन आपको बना करके बताऊं, इसके लिए आप लोग कमेंट जरूर करना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वॉल पे प्रेस कर लेना। अब देखेंगे एक दूसरा गाना जो इसी राग सुरंजनी का ही है। कौन सा? बना के क्यों बिगाड़ा रे, क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले रे ऊपर वाले। तो ये जो गाना है, ये गाना आपका पूरा गाना राग सुरंजनी का ही है, सारे स्वर इस गाने में राग सुरंजनी के ही
लग रहे हैं। आप लोग इस गाने को खुद से निकालने की कोशिश करना, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को एक एक गाने के नोटेशन बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में खाली मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि राग सुरंजनी में कौन कौन से गाने हैं। अब देखेंगे अगला गाना जो इसी राग का है, कौन सा? क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिल भर आने वाले हैं, गलियां न बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है गुलशन। तो ये जो गाना है ये गाना आपका राग सुरंजनी का ही है। अब देखेंगे एक गला गाना और, कौन सा? जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। अब ये जो गाना है ये भी गाना आपका पूरा राग सुरंजनी का ही है। एक गाना और देखेंगे, कौन सा? प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, किसी और से मिलने के बहाने आजा। तो ये भी गाना आपका पूरा राग सुरंजनी का ही है। एक गाना और देखेंगे, कौन सा? बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। तो ये जो गाना है ये भी गाना आपका पूरा राग सुरंजनी का ही है। एक गाना और देखेंगे, कौन सा? तो मिला दे मिला दे मिला दे मिला दे मेरे महबूब से, तू मिला दे तू मिला दे मिला दे मिला दे मिला दे मेरे महबूब से, तू मिला दे। तो ये जो गाना है ये गाना आपका ये भी गाना आपका राग सुरंजनी का ही है। और भी बहुत सारे गाने राग सुरंजनी के हैं, अगर मैं सारे गाने एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए जो फेमस गाने थे उन फेमस गानों के बारे में मैं आप लोगों को बताया, और जो जो गाने मैं आपको गा करके सुनाया हूँ इन गानों को आपको अच्छे से सुनना है और उसके बाद आपको हारमोनियम पे निकालने की कोशिश करनी है। सबसे पहले आपको राग सुरंजनी का आरोह अवरोह और पकड़ को बजाना है, उसके बाद आपको इन गानों को निकालने की कोशिश करनी है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि जब मैं कोई दूसरा वीडियो डालूंगा तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।